रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में लेवल 1 से बीएड होल्डर को बाहर करने के मांग को लेकर शहीद स्मारक पर चल रहा धरना आज 9वें दिन भी जारी रहा। 9 दिनों से जहां अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं 6 दिनों तक क्रमिक अनशन के बाद कल से 2 अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठ गए। आज आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की तबियत खराब होने के बाद मौके पर मेडिकल टीम ने पहुंचकर स्वास्थ्य का परीक्षण किया। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों और अनशनकारियों का कहना है कि अपनी जायज मांग को लेकर धरना और आमरण अनशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के किसी प्रतिनिधि ने वार्ता की पहल नहीं की। आश्वासन बहुत मिले, लेकिन ये आश्वासन लिखित में मिल जाए तो बेरोजगार अपना धरना समाप्त कर लेंगे। हम राजस्थान सरकार से कहना चाहते हैं कि आप मजबूती से 26 अक्टूबर को हमारा न्यायालय में मामला की सुनवाई होनी है, मजबूती से आप पैरवी कीजिए और आप एनसीटी को चिट्ठी लिखिए ताकि हमें लाभ मिल सके, क्योंकि अलवन हमारा हिस्सा है। हमारे दो साथी सचिन शर्मा, साथी श्याम शुक्ला भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी अर्थी जा सकती है, परंतु अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम यहाँ से घर नहीं जाएंगे। जितना हो सके उतना जल्दी इंसाफ दो, क्योंकि सभी की 135 से कम नहीं है किसी की भी, और सभी टेंशन में, मानसिक अशांति में, सभी मजबूत बैग भी हो, एनसीटी को पत्र रखा जाए जैसे पंजाब में हुआ था, ऐसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा इनमें हुआ था, ऐसे ही हमारे इंसाफ दी। राज्य सरकार, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री गहलोत जी से एक ही मांग है कि जब हमारे यहाँ राजस्थान में 4.5 लाख बीएसटीसी धारी पहले से पर्याप्त संख्या में है, तो हमें उन अप्रशिक्षित शिक्षकों की क्या ज़रूरत है जिनको बाद में हमें 6 महीने का ब्रिज कोर्स मैंडेटरी करवाना होगा। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है, आप बीएसटीसी को प्राथमिकता दें और बीएड को लेवल 1 से बाहर करें।